हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वेटनरी एडवाइस में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेटनरी मेडिसिन के बारे में, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में बेल बड़ा आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो अब बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जिस रोग के लिए हम उसको यूज करेंगे वो उसको ठीक करेगी और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये ऐसी मेडिसिन होती है जो होम्योपैथी मेडिसिन है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी मेडिसिन के बारे में। तो नंबर फर्स्ट पर हम बात करेंगे रिपीटोबैक्ट। यह मेडिसिन लिक्विड में आती है और इसे डॉक्टर जॉन कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। आप इस मेडिसिन को किन किन बीमारियों और किन किन प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं? अगर आपके पशु को रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। रिपीट ब्रीडिंग में क्या होता है, अगर आपका पशु बार बार हे में या बार बार हीट में आता है और वो गर्भधारण नहीं करता, उसको जय प्रॉब्लम लगातार चल रही है, तो इस अवस्था में आप उसको जय मेडिसिन दे सकते हैं। इसको हम रिपीट ब्रीडिंग बोल सकते हैं। तो नंबर टू पर है सिस्टिक ओवरी। इसमें क्या होता है, पशु की बच्चेदानी में अंडा नहीं बनता है, तो इस स्थिति में भी आप पशु को जय मेडिसिन दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। आपने 10 बूंदे या आधा ML अपने पशु को दिन में 3 बार देनी है। इसको आप रोटी पे पाकर भी दे सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, जो इसकी जो बूंदे हैं उसको पशु की सीधा मुंह में या जीभ पर लगा सकते हो अगर आपका पशु रोटी से नहीं लेता। और आपने 1 या 2 बोतल ही अपने पशु को देनी है, उससे ये क्या होगा, आपका पशु जो है हीट में आ जाएगा या हे में आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड मेडिसिन यानी कि प्लेसेंटो केयर के बारे में। इसको तब यूज कर सकते हैं अगर सूने के बाद पशु की जो जेर है वो अटक जाती है या अच्छे से नहीं निकलती। बहुत से पशु ऐसे होते हैं जिनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो इस स्थिति में आप अपने पशु को जो मेडिसिन दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। आपने अपने पशु को आधा ML या 10 ड्रॉप अपने पशु को रोटी में या उसकी जीभ पर लगा सकते हो। आपने हर 2 घंटे के बाद यह मेडिसिन अपने पशु को देनी है जब तक उसकी जेर जो है वो अच्छे तरीके से या पूरी तरह से नहीं आ जाती। अगर आपके पशु को हर सूए में जेर दिक्कत होती है तो आप अपने पशु को सूने से 7 दिन पहले यह मेडिसिन शुरू कर देनी है, और सोने से 12 घंटे के अंदर अगर जेर नहीं पड़ती तो आप अपने पशु के लिए किसी वेटनरी डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हो। तो अब बात करते हैं हमारी थर्ड मेडिसिन प्रोलैक्टोन के बारे में। इसको आप तभी यूज कर सकते हैं अगर आपका पशु पिस्सा दिखाता है या जिसे हम बाहर पड़ना भी कह सकते हैं। इस स्थिति में आप जय मेडिसिन यूज कर सकते हैं। जय मेडिसिन जो है वो 2 रूप में आती है, एक टैबलेट और दूसरी लिक्विड रूप में। आपको एक डब्बी में यानी कि एक पैकिंग में ये दोनों तरीके की जो है मेडिसिन है वो मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। आपको इसमें 13 ML का लिक्विड और 13 टैबलेट मिलेंगी। आपने सबसे पहले टैबलेट देनी है और उसके 10 मिनट बाद आपने 1 ML या 20 ड्रॉप जो है रोटी या उसके मुंह में उसकी जीभ पर लगानी है, और जय मेडिसिन आपने दिन में 3 बार देनी है। तो अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन को अगर यूज करते हैं तो आप अपने पशु की जो है वो जीभ को जो मेडिसिन टच होना चाहिए, तभी जो मेडिसिन है जो वो काम करेगी। इसका जो रिजल्ट है वो हमें थोड़ा टाइम पाकर या धीरे धीरे रिजल्ट मिलना शुरू होता है। होम्योपैथी मेडिसिन का जो होगा है वो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जिन्होंने भी ये मेडिसिन को यूज किया है वो कमेंट में जरूर बताएं कि उनको इसका रिजल्ट कैसा मिला। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बाय बाय।